हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज अ कोनिडिया लाइक यूनि न्यूक्लिएट मेल सेक्स सेल फॉर्मड इन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्मेशियोफोर्स। ए स्पर्मेशिया, बी पिकनीडियम, सी ट्राइकोगाइन की, डी गैमिटेंजियम। सो हमें बताना है कि जो कोनिडिया लाइक यूनि न्यूक्लिएट ना सिंगल न्यूक्लियस वाले जो मेल सेल्स होते हैं कोनिडिया जैसे, वो एक स्ट्रक्चर स्पर्मेशियोफोर्स में बनते हैं, वो क्या होते हैं, उनका नाम क्या होता है। सो लेट द की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हियर इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। इनमें क्या होता है, देयर बॉडी इज फिलामेंटस, बॉडी इज फिलामेंटस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम किस नाम से जानते हैं, हाइफी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हाइफी। और इसके नेटवर्क को, हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। माइसीलियम तो माइसीलियम, माइसीलियम पे और प्लस स्पोर कैसा बना रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन। माइसीलियम पे प्लस स्पोर फॉर्मेशन प्लस प्लस फ्रूटिंग बॉडीज कैसी बना रहे हैं, उसके हिसाब से ये कई तरह के होते हैं। सो इनकी वजह से क्या होता है, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फंजाई। अब वी हैव एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स में क्या होता है, देर इज अ एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है जिसको हम क्या कहते हैं, पिकनीडियम। पिकनीडियम तो पिकनीडियम इज अ, इट इज नॉट अ सेल, इट इज अ सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी। तो वहां पे हमारे कोनिडिया लाइक सेक्स सेल नहीं बनते। देन वी हैव द बेसिडियोमाइसीट्स। हमारे पास दूसरा क्या था, वी हैड द बेसिडियोमाइसीट्स। बेसिडियोमाइसीट्स में क्या होता है, देयर इज पक्सीनिया जीनस। उसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट हो जाते हैं, सेक्स ऑर्गन्स गोज एब्सेंट। तो उसकी वजह से क्या होता है, देर इज स्पर्मेटाइजेशन प्रोसेस। स्पर्मेटाइजेशन होता है उसमें, स्पर्मेशियोफोर में, स्पर्मेशियो फोर्स में क्या बियर होता है, स्पर्मेशिया बियर होता है। क्या बियर होता है, स्पर्मेशिया, जो कि विंड इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स वाटर से जाकर रिसेप्टिव हाइफा पर चिपक जाता है, हाइफे पर चिपक जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनता है पूरे प्रोसेस होने के बाद। डाइकैरियोटिक मतलब टू न्यूक्लियस वाले स्ट्रक्चर, टू न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। सो ये जो स्पर्मेशिया था, ये हुआ हमारा कोनिडिया लाइक। दिस इज अवर लाइक कोनिडिया लाइक मेल सेक्स सेल। और उसके बाद हमारे थे, वी हैड दी ट्राइकोगाइन। इसमें क्या होता है, देर इज अ, इफ देर इज अ फीमेल स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे क्या, देर इज अ मेल स्ट्रक्चर, तो ये क्या है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। दिस इज दी ट्राइकोगाइन। ये इसमें क्या होता है, ट्राइकोगाइन, ये क्या होता है, प्रेजेंट कुछ फंजाइज में होता है या एंड एल्गी में, कहीं कहीं एल्गी में भी होता है। सो दिस ट्राइकोगाइन इज लाइक अ फर्टिलाइजिंग ट्यूब। फर्टिलाइजिंग ट्यूब स्लेंडर होता है और क्या करता है, रिसीव्स फर्टिलाइजिंग पार्टिकल्स। फर्टिलाइजिंग पार्टिकल्स, सो दिस इज अवर ट्राइकोगाइन। और हमारा क्या था, गैमेटेंजियम। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में होता है, उसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व, उन सेक्स ऑर्गन्स को हम गैमेटेंजिया कहते हैं। तो ये कोई सेल नहीं है, पूरा का पूरा ऑर्गन है गैमेटेंजियम। सो लेट्स सी योर ऑप्शंस। हमारा पूछा गया था, कोनिडिया लाइक यूनि न्यूक्लियेट मेल सेक्स सेल एक स्ट्रक्चर है स्पर्मेशियोफोर, उसमें बनते हैं, तो क्या होते हैं, ए स्पर्मेशिया, यस ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट है, बी पिकनीडियम, नहीं ये एक एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ऑप्शन सी ट्राइकोगाइन, नहीं ये तो एक फर्टिलाइजिंग ट्यूब है बिटवीन मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ये भी गलत है, ऑप्शन सी,
देन डी गैमिटेंजियम सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, ऑप्शन डी। सो आवर फाइनल आंसर इज, सो आवर फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, स्पर्मेशिया। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।